राजना च विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। आवाज भी नहीं करेगा, अगर कोई आवाज करेगा तो इस घर के की जान ले लूंगा मैं। मेरा बेटा, अरे मेरे बेटे को बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को। ओए निकाल, ओए निकाल, ओए मॉल निकाल, ओए गाड़ी को राइट ले। दीन दुखियों को रखवाले अय्यप्पा स्वामी, रक्षा करो मेरी। कौन है वो बीच रास्ते में बाइक पे लेटा? लाल टोपी, काला चश्मा, पैर भी हिला रहा, अपने आप को हीरो समझता है क्या? हाय हाय, कौन है तू? ओ सिंह, जरा इसको देख तो। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, छोकरा नया है ऐसा सोच रहे हो? सब आपका आशीर्वाद है। ओए, बस से तुम्हारे आदमियों को बाहर निकलने के लिए बोलो, बोलो। ओए, सब लोग बाहर आओ, बंदूक है इसके हाथ में, आ जाओ जल्दी बाहर आ जाओ। We'll be right back.
धन्यवाद। अरे भैया इनसे तो वो लोग ही भले थे। डरिए मत, हमें गहने पैसे नहीं चाहिए, खाने के लिए हो तो दीजिए, हम प्यार से ले लेंगे। दीजिए दीजिए, धन्यवाद। डिंग डांग दिल जवां हीरो है हम यहाँ, डिंग डांग दिल जवां अरे हीरो है हम यहाँ। जो भी करना आज कर ले, बाहों में खुशी को भर ले, जिंदगी का ले मजा, कल न जाने होगा क्या, प्यार को नहीं छुपा अरे मस्तियों में झूम जा। बढ़ गया रा भर ले अपनी बाहों में ये आसमां, डिंग डांग दिल जवां अरे हीरो है हम यहाँ। तेरा है फिर भी लोग भूख से मरे, जग है पैसे वालों का, जिनके पास पैसा है खून वो गरीबों का पिए। ये जमीन तेरी है, ये अनाज तेरा है, फिर भी लोग भूख से मरे, जग है पैसे वालों का, जिनके पास पैसा है खून वो गरीबों का पिए। छीन ले तू अपना हक जरा, बढ़ के भूख प्यास तू बुझा, जिंदगी है जीने के लिए नहीं यहाँ तेरा मेरा, जिंदगी से एक एक प्यार के पल को चुरा। प्यार से दिलों को जरा तू निखार ले, चार पल मिले हैं उसे तू सवार ले। प्यार से दिलों को जरा तू निखार ले, चार पल मिले हैं उसे तू सवार ले। डिंग डोंग दिल जवा हर हीरो है हम यहाँ। बहती है प्यार करो कहती है, भेदभाव क्यों रहे यहाँ। राम या रहीम कहो, कृष्ण या करीम कहो, जीसस नानक इक यहाँ। ये नदी जो बहती है प्यार करो कहती है, भेदभाव क्यों रहे यहाँ। राम या रहीम कहो, कृष्ण या करीम कहो, जीसस नानक इक यहाँ। ऐ छीन ले तू अपना हक जरा, बढ़ के भूख प्यास तू बुझा, जिंदगी है जीने के लिए कुछ नहीं यहाँ तेरा मेरा, जिंदगी से एक एक प्यार के पल को चुरा। डिंग डांग दिल जवान डिंग डांग हीरो है हम यहाँ, डिंग डांग दिल जवान डिंग डांग हीरो है हम यहाँ। जो भी करना आज कर ले, बाहों में खुशी को भर ले, जिंदगी का ले मजा, कल न जाने होगा क्या, प्यार को न यूं छुपा अरे मस्तियों में झूम जा। बढ़ के यारा भर ले अपनी बाहों में ये आसमां, डिंग डोंग दिल जवां डिंग डोंग हीरो है हम यहाँ, डिंग डोंग दिल जवां पा 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 अरे हीरो है हम यहाँ। राम जी की जय, राम जी की जय, राम 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 राम, जय हो जय हो। प्रणाम साहब जी। प्रणाम प्रणाम। जब से गांव में पानी कम हो गया है, सरकार के घर से ही लॉरी में पानी भेज रहे थे, आज तक ऐसा ही होता आया है। एक हफ्ते से लॉरी नहीं आई है, कपड़े धोने के लिए तक पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं। अरे भाई इन्हें पानी देना क्यों बंद कर दिया? वो इसलिए कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अरे उनकी बात हम मान लेंगे, अरे पानी ही तो मांग रहे हैं, दे दो भाई दे दो।
साहब कितने अच्छे हैं, देखो पानी का इंतजाम कर लेंगे। आ मुंह खोल, ये कैसा अन्याय है, कार धो रहे हैं, भैंस को नहला रहे हैं, हम अगर पानी मांगे तो कहते हैं कि मार डालेंगे तुमको। अरे तुम लोग का पानी चाहिए ना, ये ले पानी, अरे जीवर के पी ले, पी ले, अरे पी ले, ऐसे दबा रहा है और पी ले, अरे पीना, अरे पानी पानी चिल्ला रहे हैं, जब पानी देने तो पी नहीं रहे, और पी ले। अरे ये अन्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है क्या, हम इंस्पेक्टर से बोल के आपको अंदर करवा देंगे। चलो, अरे ये क्या सब मिलकर एक साथ आ गए आज, इंस्पेक्टर साहब से फौरन मिलना है। अरे थोड़ी देर रुको, आते ही हैं। मालिक यही एक धोती बची है। तो फिर बनियान बहुत है क्या? नहीं सर। अरे चुप कर, क्यों बे, साहब से कुछ कहने आए थे ना, साहब ही इंस्पेक्टर हैं, अब बताओ। साहब जमींदार के यहाँ हम लोग पानी मांगने गए तो पानी में डुबा के मारने की कोशिश की है ना? बिल्कुल साहब बिल्कुल। क्या करें, हाथ पैर तोड़ के उन्हें अंदर डाल दो। हाँ बोल रहा है ना, हाथ पैर तोड़ के अंदर कर दो। हाँ अंदर कर दो साहब। अगला कौन है, जल्दी आओ। रंग बरस भीग चुनर वाली, रंग बरस, रंग बरस भीग चुनर वाली। अरे चुप करो, अरे कैसे गाना गा रहे हो? अब मैं गाता हूँ सुनो। ए तुम आओ ना इधर। अरे हजवानी है दीवानी, रुक मारे रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। अरे का हा कर रहे हो, चुप करो। है जवानी है दीवानी, रुक मेरी रानी, देख जरा पीछे मोड़ के, चली कहा ऐसे उड़ के। आप इसे क्यों मार रहे हैं? अरे पत्थर नहीं का, पत्थर में और इसमें क्या फर्क है? जा रहे सोडा चश्मे। क्यों भाई, तुम्हें महाराजा की तरह शर्ट पहनने को कहा तो इन गधों को भी शर्ट पहना के गांव के गधे मुझे डांट रहे हैं। हैं? क्या बोला? क्या कर रहे हो? ए, गिर गया का? चलिए पिताजी, चलो घर चलते हैं। ए, क्या है? क्या हुआ पिताजी? अपने घर का कद्दू तेल में गिर के मर गया बेटा, अब इसे कहाँ दफनाऊंगा। ओहो पिताजी, कितनी बार आपसे कहा कि ज्यादा मत पिया कीजिए। पिताजी अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हमको कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। खाइए ना पिताजी। सो जाइए पिताजी। क्यों बेटी, क्या हुआ? अपने गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है, मैं वहां पर गई तो एक सांप ने मुझे देखते ही फन उठाया और मुझे काटने आ गया था डैडी, मैं तो एकदम डर गई थी। बेटी आखिर तुम वहां गई क्यों थी? जाओ जाकर आराम करो, जाओ बेटी जाओ। ठीक है डैडी। गुरुजी, गुरुजी, हमें बचाइए। आज से 18 साल पहले इस ताबीज को आपने ही बांधा था गुरुजी। उस पुण्य से आज तक हम बिना किसी डर के उस सांप से बच के जिंदा हैं गुरुजी। मेरी बेटी जब नाग माता के मंदिर में गई तो सिर्फ मेरी बेटी को ही उस सांप ने वहां से भगाया। ज्ञानपद, तुम्हारी बेटी के गले में
पहले जो घटी घटना से संबंधित लॉकेट है उसे निकाल दोगे सब ठीक हो जाएगा। ए पीछे जा, तू जा पीछे, पीछे जा बोला ना। यू रास्कल, आंख मारता है। राजा मुझे एक लड़की ने मारा। मारा तुझे? चल देखते हैं। हाँ चल। चल। कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी, कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी। कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी, छप्पन छुरी, ओए होए छप्पन छुरी, लगे फुलझड़ी, ओए होए लगे फुलझड़ी, कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी। होटो में देखो गाली है, ऊपर का माला खाली है, दिल की बगिया काली है, समझे अप्सरा इनको जरा सिखलाए आ कुछ कायदा, छोड़ो ना इन्हें अभी छेड़ेंगे घड़ी घड़ी। कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी, कुड़ी नकचड़ी, ओए होए कुड़ी नकचड़ी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव में झूठ बोलने के कारण मुझे बांध दिया गया है। अरे इसलिए कोई तो मुझे बचाओ। क्यों भाई, हंस गए क्या? अरे लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेवला और सांप लड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? ए ये कैसा अन्याय है, ये सांप से कैसे लड़ सकता है? वही तो, ये कैसे मुमकिन है? अरे इसका तो यही काम है, सांप के साथ लड़ाई करेंगे लड़ाई करेंगे कहता रहता है, कभी करता ही नहीं है। क्या है ये सब? अरे चुप कर मामू, भैया इसे सांप दिखाने के बोलो या रेवला दिखाने के बोलो। शांत हो जाइए, सब लोग जोर से ताली बजाइए, शांत रहिए, शांत रहिए, अब सब लोग सांप देखेंगे। टन टन। अब सब लोग नेवला देखेंगे। टन टन। क्या है ये सब, न सांप है न नेवला है? अरे वो दोनों प्रेमी प्रेमिका है, फिल्म देखने गए हैं, अभी आ जाएंगे। क्या मजाक कर रहा है, अब आ जाएंगे क्या? बीन बजाओ तो आ जाएंगे। बीन बजाने से सांप आएगा, नेवला कैसे आएगा? अरे वो सांप के बगल में ही है, वो उसे भी लेकर आ जाएगा। बीन तो है ना? वो तो है भाई, लेकिन बजाना नहीं जानता। मैं बजाना जानता हूँ, कहाँ है बीन? अरे पहले रस्सी खोलो फिर मैं दूंगा। खोल दे रे इसको। अरे मामू खोल दूँ क्या? तू भी ना भाटो। अरे खोलती हूँ ना। अरे शैतान का बच्चा। अब सब लोग एक बार जोर से ताली बजाओ। साहब जी यही वो बीन है, इसे बजाइए। चल इधर ला। ये तो सचमुच सांप आ गया। चलो इस सांप से काम चलाओ। सांप को पकड़ के दीजिए। अरे सांप, सांप आ गया सांप। चलो जल्दी चलो यार। अरे 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 अरे, अरे, अरे। तुम लोग सांप को उधर ढूंढो, मैं इधर जाता हूँ। Thank you.
कहाँ है तेरा बेटा? चल से बाहर निकाल। कहाँ है? कोनो मदद चाहिए का? ए, मदद का जरूरत नहीं है, परेशान ना करो, इतना ही काफी है। गांव में उसकी शैतानियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे तू एक शराबी है और तेरा बेटा लोफर भी है। कहा तुमने? ए! यही कहा कि तू एक शराबी है और तेरा बेटा लोफर है। हम शराबी जरूर हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। हमारे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे बेटे के बारे में बोलोगे तो मार डालूंगा। अरे तो मेरी शादी ही नहीं हुई तो बेटा कहाँ से आ गया? जाओ सब, अरे जाओ यहाँ से, जाओ भागो। अरे क्या बकवास कर रहे थे? तू अनाथ है, तेरा बाप अनाथ है, तेरी माँ अनाथ है, तेरा खानदान अनाथ है। अब कभी इस तरफ आए ना तो मार डालूंगा मैं, देख लेना। आप कब उठा बेटा? इस अनाथ के लिए तुम क्यों ताने सुनते हो? अरे कौन कहता तू अनाथ है? वो लोग अनाथ है, तेरे साथ मैं हूं तो तू तू अनाथ कैसे हो सकता है? माता कहाँ घूर रही हो? फूल पी के आया हूँ। हम दोनों का एक ही हिसाब है, वाद तय करना है। मुझे क्यों इस तरह सता रही हो? मैंने क्या पाप किया? कुछ बरस पहले इसी मंदिर में तुम्हें एक बच्चा दिया था, उसे अच्छी तरह मैंने बड़ा किया, उसका भला चाहते हुए मैंने शादी तक नहीं की। तुम जानती हो ना माता, वो सब मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, सवाल करता है वो मुझसे। अब मुझे क्या पता, सब तो तुम्हें जानती हो। बता, अगर वो उन्हें ढूंढ लेगा ना तो मुझसे बिछड़ जाएगा, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। पिताजी, पिताजी, कसम से मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। पिताजी कभी नहीं जाऊंगा। मुझे जन्म देने वाली माँ कौन है मैं नहीं जानता, और कभी जानना भी नहीं चाहा। पर अगर आप जानते हैं तो बताइए पिताजी, घबराइए मत, बोलिए पिताजी। बेटा बताइए, बताइए मेरी माँ कहाँ है? बेटा बेटा, तुम्हारे परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कुछ बरस पहले इसी मंदिर में तुम पड़े थे और मैंने उठाया था, तब तुम्हारे बगल में सांप का बीन था। तेरी माँ के बारे में शायद इस गांव का जमींदार जानता होगा। जल्दी जल्दी साफ करो, ठीक से साफ करो। अरे जल्दी जल्दी हाँ चलाओ, काम निपटाओ फटाफट। मेरी माँ, सर मेरी माँ कहाँ है बताइए सर। अरे कौन है तेरी माँ? 18 साल पहले इस घर में आई थी, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं चला। मैंने सुना है कि आप जानते हैं, बोलिए सर मेरी माँ कहाँ है, बोलिए सर। अरे रो मत बेटा, रो मत। अपनी माँ का नाम जानते हो तुम? नहीं सर। पिता का नाम? नहीं जानता। पिता का नाम भी नहीं जानता? अरे मेरे दोस्तों सब लोग यहाँ पर आओ, ये अपने माँ बाप के बारे में कोई कहानी सुनाने वाला। सब लोग ध्यान से सुनो, इसके माँ बाप के बारे में कोई जानता है क्या? नहीं, हम नहीं जानते। तो फिर ये गलत पैदा हुआ अनाथ बच्चा है। अनाथ है ये। मेरी माँ, मेरी माँ का। अरे कैसा पागल बच्चा है ये, उठाओ इसे और बाहर फेंको। मेरी माँ कहाँ है बताइए, मेरी माँ कहाँ है? छोड़िए मुझे, मैं अपनी माँ का पता लगाए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी माँ कहाँ है बताइए, बताइए सर, सर। 18 साल पहले कह रहा है और माँ कह रहा है? अरे हमने जो पाप किया वो कम है क्या? राम जी की जय, राम जी की जय। जमींदार ने हमारी बेइज्जती की है, वो हमारे बारे में नहीं जानता। सबक सिखा देंगे यार। अरे जब एक अमीर पर मुसीबत आती है ना, तभी वो दूसरों की मुसीबत समझता है। उसे मुसीबत में कैसे फंसाएं? कुछ बरस पहले इसी मंदिर में तुम पड़े थे और मैंने उठाया था, तब तुम्हारे बगल में सांप का बीन था, Thank you.
भाई वहां देख सांप आ गया। सांप का खेल? हाँ। अरे यहाँ नहीं, कहीं और जाके दिखा, जा जा यहाँ से। अरे जा, अरे कहाँ जाने के लिए, अरे जा ना। वाओ, 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 वाओ। इस घर में कुत्ते की जरूरत नहीं, तू है ना। वाओ, वाओ। आइए आइए। अंकल, अंकल देवी कहाँ है? अरे नामर्द, पहले अपनी मूछें बढ़ाओ। अब क्यों रो रही है? नापसंद लड़के से तेरी शादी करवा रहे हैं इसलिए? चिंता मत कर देवी, तेरा दिल बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। ए, सुबह होते होते तेरी शादी है, कम से कम अब तो बढ़ा ले। आपकी चूहे की मुझे उधार दो ना मुझे। अरे बेटे, ये सब उधार में नहीं, अपने आप आती है। अरे वॉचमैन, बंगले में सांप आ गया, किसी सपेर वाले को बुलाओ ना। बंगले में सांप अंदर घुस गया? अरे बाप रे, अरे सपेरा भाई रुक जा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, सपेरा आ गया है, पकड़ ले। आओ भाई, आओ, आओ आओ भाई, आओ भाई, जल्दी आओ, आगे बढ़ो ना। ये आखिर ला क्या रहा है? ये इतनी देर क्यों लगा रहा है? रुको, वहीं रुको। इतनी बड़ी टोकरी किस लिए? सांप इसके अंदर घुस गया है, इसलिए ले जा रहे हैं। सांप टोकरी में? अरे सांप को दिखाओ ना। काट दिया तो? काटेगा। अरे हट, क्या देखेगा सांप को अंदर? तुम अंदर चलो। क्या तू? लेके जाओ बाहर इसे, ले जाओ। सांप है पता नहीं? लेके जाओ, जल्दी बाहर लेके जाओ। साहब साहब, कमरे से देवी गायब हो गई। क्या कहा, देवी गायब हो गई? हाँ जी। चलो चलो ऊपर चल के देखते देखते तेरी देवी कहाँ चली गई। चलो 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 चलो। बेकार का नाम वर्द है, तो लड़की तो शादी से पहले ही भाग गई, अब टेंशन मुझे ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे चल हट। अरे ये देखो, यहाँ पे चिट्ठी भी है। जमींदार जी, आपकी बेटी को हम उठा कर ले जा रहे हैं। माँ कहाँ है ये बता दो तो छोड़ देंगे। आपका सपेरा कौन है? ये सपेरा क्यों रही? काम चोर कहीं की? तुम्हारे भरोसे पर बेटी को छोड़कर गया था, कहाँ गई? शक्ल देखो इसकी जरा। ए नालायक, कहीं के दिमाग नहीं है तेरा? तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बेटी को उठाकर ले गए? ओए, मुझे तभी उस पर शक था, लेकिन तुम दोनों ने उसे जाने दिया। hey, हम तो बेवकूफ थे, तेरे दिमाग को क्या हुआ था? अरे यार, इस पागल से बात करके क्या फायदा? अपनी होने वाली बहू को खो दिया ना बेवकूफ। अब ये नाटक बंद कर और जाकर उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश करो, जाओ जल्दी यहाँ से। अरे तुमसे कह रहा हूँ। अरे साहब, मुंह बंद रख अपना। जानते क्यों? मैंने कहा ना, खोल के सांप देखेंगे। आप लोगों ने मुझे शराबी कहा था तब। ए, मैं शराबी हूँ और मैंने शराब पी रखी है। ए, चिट्ठी से दे, ये ले ना, पढ़ो। जमींदार, आज ही ए, ए, उठो, लड़की भाग गई। चलो कहाँ गई होगी? अरे कहाँ गई होगी? चलो देखते हैं। चलो चलो। Thank you.
हम तुम्हें उठा कर लाए हैं, इज्जत लूटने या पैसों के लिए नहीं। तो फिर तुम मुझे क्यों उठा कर लाए? राजा की माँ के बारे में तेरा पिता ही जानता है, पूछने पे बता नहीं रहे। उनसे बात बुलाने के लिए ऐसा किया हमने। आप मुझे उठा कर लाए शायद इसीलिए मैं बच गई। मैं शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, मैं वहाँ से भागने की सोच ही रही थी। इतने में आप लोग मुझे उठाकर यहाँ पर ले आए। तो फिर यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की? मैं अपनी जान बचाने के लिए डर से भाग रही थी। मैंने आप सभी लोगों को बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं यहाँ से भागूंगी नहीं, आपके साथ रहते हुए आपकी मदद करूंगी, ठीक है? ए वड़ा पाव साबुन देना यार। जाओ। ए थोड़ा पीठ में साबुन लगा यार। ए तुम मुझे मस्का मत लगाओ। मैं तुम्हें मस्का नहीं लगा रही, सिर्फ साबुन लगा रही हूँ। तुम क्यों मेरी पीठ में साबुन लगाओगी? तुम्हारी पीठ बहुत गंदी है इसीलिए, इतना भी नहीं समझते हो तुम। क्या है? सोप, सोप, सोप। मोटे पहले नहा ले। एक बार पी के तो देखिए, ये अंदर गया तो आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। आप में जो ज्ञान है, दिमाग है, मेहनत है, ये सब हमारी जनता में कहा। अब गधा का जाने के कपूर की खुशबू किसमें है, आप जानते हैं ना। इस शराब को पी लीजिए भाई। अरे भाई पी लीजिए ना भाई, पी के देखिए, देखिए इसमें लिखा है शराब सेहत को खराब करेगा। शराब गधे को क्या खराब करेगा, नहीं लिखा है ना। अरे पीजिए ना। अरे पी के देखिए भैया, अंदर जैसे ही जाएगा आप नहीं रहेंगे। अरे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा और हमको जो है ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये अंदर जाएगा ना तो हम आपके जैसा हो जाएंगे। अरे पीजिए ना भाई, पीजिए ना, काहे नहीं पीते हैं। लीजिए थोड़ा पीजिए, थोड़ा पीजिए ना। अरे पीजिए, अरे पीजिए। हाँ अरे काहे नहीं पीते हैं, नखरा करते हैं, आप समझते कहाँ हैं। अभी हम आपसे लड़ेंगे, लड़िएगा, आइए लात मारते हैं आपको। अरे हम वीर हैं, वीर, अभी आपको हम पछाड़ेंगे, अभी तुमको हम नहीं छोड़ते हैं। अभी तक इतना बोले कि पीजिए पीजिए पीजिए, फिर भी नहीं सुन रहे थे। अब तुमको हम बताते हैं कि नहीं पीने वाले के साथ। Thank you.
तू दिल की पनाहों में, तू है बस, तू है बस, तेरी ही खुशबू है। प्यार की राहों में तू, यादों की बाहों में तू, तू है बस, तू है बस, तेरा ही जादू है। रूप तेरा सजे, प्यार की धुन बजे, एक दूजे में हम खो जाएं, आ जाओ ना रुत है सुहानी। तेरी बेटी को उठाने वाला सपेरा बोल रहा हूँ। रास्कल, उसे कुछ हुआ तो मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो मेरी माँ का पता बता दे। ए, मुझे कहाँ आना होगा तू बता जल्दी। तुम्हारे गांव के बाहर जो नदी है ना, वहाँ खबर भेज दो। पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बेटी ऊपर चली जाएगी। रास्कल। राजा, खबर देने सिर्फ आदमी नहीं, उनके साथ पुलिस भी आई है। ए, चलो यहाँ से भागते हैं। जल्दी चलो, क्विक। आ जाओ। मुझसे भाग निकलोगे क्या बेवकूफ? कहीं का चल, सब सरेंडर हो जाओ, नहीं तो तेरा ये बच्चा दोष है ना, ये पानी में बहेगा, पानी में। मेरे बारे में मत सोचो, तुम लोग भाग जाओ। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे एक ही रास्ता सूझ रहा है। मुझे उन्हें सौंप के उसे यहाँ पर ले आओ, प्लीज भरोसा करो मेरा। मैं घर जाके किसी भी तरह से तुम्हारी माँ के बारे में पता लगाऊंगी और तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। उस लड़की को भेज दो। पहले उसे भेजिए। अबे जा जल का मेंढक। हाँ,
अरे भाई है? कौन सी दुकान है? तेरे को दिखता नहीं है, ये मिठाई की दुकान है। आ, ये जो लंबा लंबा है वो का है? अरे ये तो सेब है। अच्छा यही सेब है का? एक किलो डालो। अरे डालो ना एक किलो। ए बंसी। अरे और डालो। अरे और डालो, डालो ना। डालता हूँ। अरे भाई और डालो, तो नीचे ही नहीं आ रहा। ए हाथ हटाओ, वजन रखने की जगह हाथ रखते हो। ए डालो। अच्छा ये गोल गोल का है? ये चकली है। अच्छा यही चकली है का? इसे भी एक किलो डालो। अभी देता हूँ। अरे और डालो ना। अरे जल्दी बांध। और पीला पीला का है? लड्डू। लड्डू ऐसे का नाम लड्डू है का? एक किलो डालो भाई। अरे डालो ना, एक किलो डालो। डालो डालो डालो। भैया 100 ग्राम मिक्सचर देना। भैया जरा जल्दी 100 ग्राम मिक्सचर दे दो। अबे जाना भिखारी कह के 100 ग्राम मांग रहा है, इनको देख किलो किलो ले रहे हैं। तू चल जा बाद में। और क्या दूं भाई? भिखारी तू तेरा बाप। अरे भाग गया उसे। हाँ, बोलिए ना। काम करो। हाँ। इसमें से किलो, इसमें से किलो, इसमें से किलो सब मिला कर। चल जल्दी कर, पकड़। सब एक एक किलो पैक कर दिया है। तुम्हारे पास बड़ा हंडा है का? हाँ है ना। उसमें सबको एक साथ डालो और मिलाओ। पूरा मिला दूं? हाँ भाई, अरे मिलावट के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, मिलाओ ना। पैसा तो आप दे ही रहे हैं, मिला देता हूँ। भाई बैग लेके आए हैं? अरे क्या? कैसी बात करते हो, जब इतनी दूर तक आया हूँ तो बैग नहीं लाऊंगा का? अरे बैग भी साथ में लाया हूँ। अब ये देखिए, ये निकाला बैग। अभी सुंदर बैग में 100 ग्राम डालिए। 100 ग्राम? हाँ भाई डाल दो ना। ए मनहूस आदमी, तुझे तो देखते ही समझ गया था कि तू महा मनहूस है। इतना सब मिलवा लिया, अब 100 ग्राम चाहिए? अरे दो ना भाई। हाँ 100 ग्राम। अरे मर गया। एक किलो मिक्सर देना। मुझे भी एक किलो चाहिए। ज्ञान रावत देखो किसे लाया। बेटी देवी तुम अच्छी तो हो ना, तुम्हें देखकर जान में जान आई। क्यों नहीं आएगी, इतनी मेहनत करके ले आया हूँ मैं। ठीक है 5 बजे आता हूँ, निकाल के रखना, चलता हूँ। अंकल उस इंस्पेक्टर पर भरोसा मत करना, वो एक धोखेबाज है। आपकी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल था, वहाँ सिंह शेर लोमड़ी सब थे। हाँ, जू में क्या? नहीं जंगल में। मैं नहीं होता तो इसे आप देख ही नहीं पाते। क्यों सच है ना देवी? चल हट। डैडी ये सब बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझे जिसने बचाया है वो ये नहीं कोई और है। कौन है वो? डैडी मुझे वहाँ एक सांप ने काट लिया था। क्या कहा? आप डरिए मत डैडी, उन्होंने जहर मुँह से निकाल दिया था। ओहो जहर मुँह से निकाला? सांप ने कहाँ काटा तुम्हें? कमर में। कमर में? हाँ देवी सांप को फिर से काटने को बोलो, मैं जहर निकालूंगा इस बार। तू जहर नहीं निकालेगा, सिर्फ खून निकालेगा। आ? बस बिल्कुल नालायक हो। चुप रहो। देखो ना अंकल, होने वाले पति को नालायक कह रही है। तुम्हें नालायक कहना ठीक नहीं, एकदम नालायक जानवर हो तुम। अभी कह रहे क्या? डैडी अगर इस पागल से आपने मेरी शादी की ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पागल कहती हो मुझे? रुको रुको अपने पिताजी से कहकर तुम्हारी। तू चिंता मत कर बेटी, ऐसे पागल से मैं तेरी शादी क्यों करूंगा, सब तेरी मर्जी से ही होगा, लेकिन इस डैडी को छोड़कर कहीं मत जाना। ओके ओके डैडी चल भाग। बेइज्जती, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। क्या हुआ? अंकल और देवी दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देवी की शादी मुझसे नहीं करेंगे कहते हैं। क्यों? मैं पागल हूँ कहते हैं। जो भी हो मेरे बेटे को पागल नहीं कहना चाहिए। अब कौन पागल है देखता हूँ। उसका बाप मेरी मुट्ठी में है रे, देवी को जो उठा ले गया था उसकी माँ उम्र कैद की सजा भुगत रही है उस मुंबई जेल में, और उसके खून का कारण। कुछ नहीं अंकल, फ्लावर वास गिर गया था। कोई बात नहीं, ध्यान से जाओ बेटी। ठीक है अंकल। उसका कारण ये लड़की जो है ना, इसका बाप ज्ञान रावत है। अगर ज्ञान रावत कहीं उल्टा पुल्टा करेगा तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। ए राजा, अगवा की लड़की को वापस भेज दिया, अब सोचने से क्या फायदा? राजा वहाँ देख, जमींदार की बेटी आ रही है। राजा तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पता कर लिया है। कहाँ है वो? Thank you.
ममता ही लिखती है जीवन की सारी कहानी, मेरी माँ का ये गाना है, मेरी माँ की है ये निशानी। आँख से आंसू ढल के उन्हें याद करूँ रह रह के, ममता ही लिखती है जीवन की सारी कहानी। किसे मिलना है? साहब से मिलना है। ठीक है जाओ। सर, वो जो औरत कचहरी में चक्कर खाके गिरी थी कौन है वो बता सकते हैं? सुबह आओ, रिकॉर्ड देखकर डिटेल में बता दूंगा। ठीक है सर, कल आएंगे। सर, आप सुबह आने को कहे थे। उस औरत के बारे में जानकारी देंगे कहा था आपने। आज सुबह सुबह ही वो रिहा होकर चली गई। Thank you.
की जगह मैं अपना बच्चा छोड़कर गई थी, वो कहाँ होगा अब? इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर गई पापे हूँ मैं, कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा मेरा बच्चा? माता, मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए माता, मेरी विनती सुन लीजिए माता, माता। बहन, आपका बेटा कहीं नहीं गया, यहीं पे है। राजा, यही है आपका बेटा। बहन, कुछ साल पहले इसी मंदिर के द्वार पर इसे मैंने पाया था, और उस वक्त भी यही सांप इसकी रखवाली कर रहा था। भैया, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरे बेटे को अपना के पाला है, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? क्या बहन, कैसी बात करती है? चलो चलो माँ। ये सब कुछ उस दिन आपके बेटे के बगल में था। राजा, माँ, कभी तुमसे मिलूंगी इसी आशा में। जेल में कमाया पैसा पूरा इकट्ठा करके रखा है, ले लो बेटा, ये लो बेटा। ये सब मुझे नहीं चाहिए माँ, नहीं ले चाहिए। ले लो बेटा। अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? पिताजी कहाँ है माँ? फूल जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। फूल जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। मुझको लुभाने वाली, नींदें उड़ाने वाली तू ही है मेरी दिल रुबा। ओ आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा, ओ आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा। मेरा चक से निराला सजना, तेरे बिन भाई एक पल ना। चक से निराला सजना, तेरे बिन भाई एक पल ना। मुझको सताने वाली, चैन चुराने वाली तू ही है मेरा दिल रुबा। हो आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा, हो आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा। फूल जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। चुराने वाले तू ही है मेरा दिल रुबा। आजा जरा धीरे।
जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। मेरे चक से निराला सजना, तेरे बिन भाई एक पलना। अपनी तन्हाई, हाँ अपनी तन्हाई। तू है पिया मेरी बिंदिया, तेरे बिन जाए ना जिया। तू है पिया मेरी बिंदिया, तेरे बिन जाए ना जिया। मुझको लुभाने वाली, नींदे उड़ाने वाली, तू ही है मेरी दिल रूपा। ओ आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा, ओ आजा जरा धीरे धीरे दिल में समा। फूल जैसा तेरा मुखड़ा, शर्माए चांद का टुकड़ा। मेरे चक से निराला सजना, तेरे बिन भाई एक पलना। नाग माता, आपने हमें जीवन दिया, इस गांव और गांव के लोग सदा खुश रहे। सिर्फ इतना ही नहीं माता, हमार बीवी की तरह सुंदर बच्चा भी चाहिए। माता, पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल बाप जैसा होना चाहिए। काहे हेमावती, तुम्हारे जैसी सुंदर बिटिया हो तो उसी से पूछते हैं ना, क्यों रे नाग, तुम्हें बहन चाहिए या भाई? हाँ दोनों चाहिए उसे। अभी ना, उसने ये नहीं कहा। बोल ना। नागराज जैसा भाई चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तुम हमें बेटा दो, हम राजा की तरह पालेंगे। अच्छी तरह पालने के वास्ते 4 पैसों की जरूरत होती है, उसका तो सोचिए। सब कुशल मंगल होगा। आपका आशीर्वाद स्वामी। लो आरती, हम चलते हैं। ठीक है बेटी, प्रणाम। अरे उठो तो, अरे सुबह हो गई और तुम अब तक सो रही हो। नागराज, ये क्या? हाँ? नागराज कहाँ चला गया? हाँ? अपना नागराज उसमें नहीं है, कहाँ गया होगा? नागराज ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया और ये मनी हमें दी है इस मंदिर और गांव वालों की भलाई के लिए। माता, आपकी दया बनी रहे। कल कलेक्टर को बताना पड़ेगा। राम जी की जय, राम जी की जय।
एक दूसरे का मुंह देकर क्या फायदा। तो क्या करें भाई, कल सवेरे मेरे पिताजी उस मणि को कलेक्टर को जाकर सौंप देंगे। छोटे जमींदार, उस सवेरे से बात करो तो काम हो जाएगा। अरे वो चपरखनाती, वो ऐसे नहीं मानेगा। मंदिर का मामला है, पब्लिक प्लेस है। अरे वो सब जाने दो भाई, मणि के बगल में सांप जो बैठा है। सांप को गोली से मार देंगे, पहले अपने बाप को संभाल, बाकी मैं देख लूंगा। हेमावती, हेमावती, थोड़ा सहन कर लो हेमा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये दर्द। थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है ना, तो दर्द तो होगा ही। मैं जाके पंडित जी को लेकर आता हूँ। हाँ, तुम अपने आप को संभालो। पंडित जी, पंडित जी, घर में मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है। पंडित जी, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी, मैं अभी जाकर दाई को लेकर आता हूँ, तू तब तक उसके साथ ही रहना। हाँ। के बगल में ही उनका घर है, तुम जल्दी चलो बहन। जरा आप जाइए, मैं दवा वगैरह लेकर आपके पीछे आती हूँ। थोड़ा जल्दी आना बहन। तुम जल्दी से जाके दवाइयाँ लेकर। हेमावती, हेमावती, आप आ गए, मेरे पास ही रहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे पास में हूँ, मैं यही हूँ तेरे पास। तू बिल्कुल मत घबरा। सुनिए, दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा मत बोल हेमावती, तू चली जाएगी तो मैं जिंदा रहूंगा क्या? पहला बच्चा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे अपने नागराज को देखने का मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जा नागराज, देख देख तेरा बड़ा बेटा नागराज आ गया। क्या नागराज, तेरा छोटा भाई आया है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए, पर ऐसे गुस्सा काहे हो रहा है? अरे इस वक्त आप लोग यहाँ? ये मणि है और ये है हमारे हाथ में चाकू। देवी माँ, पंडित जी, छुपा के रखा है ये बताओ तुम? ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताएगा। नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो फिर सच क्या है, बोलने के लिए बोलो। उन्हें सच बोलने कहां दे रहे हैं? इसका मतलब आंखों से जो देखा वो गलत था। हम सांप की पूजा करने वाले हैं, उन्हें छोड़ दीजिए ना।
तो उस गवाह को बुलाओ। हाँ बिल्कुल, मैंने ही देखा। पाप तुम लोगों ने किया है और दंड हमें दे रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। जमींदार से ऊंची आवाज में बात करता है तेरी तो। मुझसे बात करिए, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए ना, कुछ कहिए। बिना अपराध किए उन्होंने हमें दंड दिया। मणि उन्होंने ही चुराई है, पंडित जी का खून भी उन्होंने ही किया है। हेमावती जी, लगी है ना? अब तक तेरे सहारे हम जीवन बिताते आए हैं, लेकिन अब तेरी भूख मिटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुझे भी अपना बेटा समझ के ये दिया है मैंने। ये दूध नहीं है, मेरा खून है। इसे पीकर तुम्हें अपना कर्म करना होगा। ये बात कभी मत भूलना। Thank you.
गांव वालों की जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग यहाँ शराब पी रहे हो। अपने बदन की भूख मिटाने ये हमारे पास आई है। तेरी भूख कैसे मिटाएं हम? खाना देते हैं ना? बिल्कुल खिला देंगे, खिला देंगे। मेरे हाथ छोड़ कुत्ते। चल 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 चल। डरो मत बेटी, उठो। सच्चाई से वाकिफ हो गया हूँ। अरे बेवकूफो, तुम लोगों ने एक बेकसूर की जान ली है। पिताजी वो छे, तुम्हें बेटा बोलते हुए शर्म आती है? इसी वक्त पुलिस को फोन करता हूँ। छोटे जमींदार, पिता को मार डालो। मार डालो। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस जान जाएगी तो मणि भी जाएगी और हमारी जिंदगी भी जाएगी। उनकी जान या अपनी जान। मैं जमींदार बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर है वहाँ। जल्दी जल्दी मारो, अरे जल्दी मारो। उन्होंने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं माँ। रुको बेटा, जल्दबाजी में उन्हें मारने से तुम्हारे पिता पर जो इल्जाम है वो मिट नहीं जाएगा। राजा, हमारा भी समय आएगा। तब तक जैसे तुम्हारी माँ ने कहा है ना, शांत रहना होगा। आप चाहे तो शांत रह सकते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो, बोलो। डैडी, मैं मंदिर गई थी, वहाँ किसी का खून करके भगवान के गहने चुरा कर ले गए। वो इल्जाम मुझ पर डाल के मुझे रस्सी से बांध के मुझे बुरी तरह मारा, मेरी बेइज्जती भी की। डैडी, इस गांव में ऐसा कौन है जो मेरी बेटी को चोर और खूनी कह सके? जबान काट लूंगा उसकी, मिट्टी में मिला दूंगा। ए, निकालो मेरी बंदूक। जरूरत पड़ने पे कुत्ता भी साथ में नहीं, मैं खुद ही मार डालूंगा। डैडी रुक जाइए। छोड़ दो बेटी। डैडी, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो सारा इल्जाम आप पर आ जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या कह रही हो बेटी? अरे ओ पागल, वो हमारे बारे में बात कर रही है। राम जी की जय, राम जी की जय। वो क्या जानता है, हर बात पे उठा लेता है बंदूक। चुप करो तुम लोग, बीच में मत बोलो। देवी किसने बताया तुम्हें? और कौन बताएगा डैडी, इस घर की एक एक ईंट बोल रही है। ये घर पानी और सीमेंट से नहीं बना है डैडी, गरीबों की आंसू और आह से बनाया है आपने। इस घर में उनकी आवाज गूंज रही है डैडी, गूंज रही है। ये घर नहीं है बल्कि भूत प्रेत और शैतानों का अड्डा है। देवी! क्यों डैडी, आपने ये सब क्यों किया? डैडी, आपको मैं महान समझी थी। माँ और पिता दोनों का प्यार मुझे आपसे मिला है डैडी, लेकिन फायदा क्या? दूसरों को अपने माँ बाप से दूर कर दिया आपने। इस तरह सब लूट के क्या करेंगे आप? मेरे लिए किया, ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए। डैडी, मरते वक्त ये सब ले जाएंगे क्या आप? बताइए, खुद को आपकी बेटी कहने में मुझे शर्म आ रही है। देवी मेरी बात तो सुनो बेटी, प्लीज। अरे ज्ञान रावत, रो क्यों रहा है? आए, रो मत भाई, बेटी पे इतना प्यार आ रहा है तुम्हें, ये बाप बेटी का प्यार भी क्या चीज है? अरे छोड़ दिया तो इन सब का कारण हम दोनों ही ऐसा बोल दोगे? अरे वो बेवकूफ, इसमें चोट भी तू ही खाएगा। ध्यान से काम ले, बंदूक दे और जा यहाँ से, कहीं लग जाएगी तो। पहले से लगी हुई है। चूहे का मूंछ, चूहे का मूंछ, इसका कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। खूनी है और तू भी एक खूनी है, तो फिर तेरा बेटा कैसे योग्य बनेगा? तभी छोकरी को उठाके भाग गया, इसीलिए अंदर है, कलेजे के टुकड़े के देखने आई है। अरे चल ना, मुझे छोड़ दो सरकार, मैं हाथ जोड़ती हूँ।
सब जाता हूँ मैं, देखो कल जिंदा रहा तो ले जाओ, नहीं तो उठा के ले जाओ। नहीं, जो यहाँ से कांस्टेबल ले जाए इसे। मां, चल, 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 रियान रावत, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उसे खूब मारा, और मारू क्या? उसकी जान ले लो, एक बार आके देख ले। दीदी आप यहाँ? देवी तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या है दीदी? पुलिस स्टेशन ले जाके वो लोग राजा को बहुत मार रहे हैं। सुबह होने से पहले राजा की जान ले लेगा लगता है वो शराबी। भगवान तेरे बेटे की जान ले लेंगे तो मैं क्या करूं? आओ बेटी आओ, मेरा बेटा जिंदा है या मर गया मैं यही देखने आई हो ना तुम? या जिंदा है तो उसे मां ने तेरे बाप ने भेजा होगा है ना? मेरा पेट जल रहा है, उसमें और तेल मत डालो तुम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। वेरी बैड इवनिंग। क्यों इंस्पेक्टर? और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप की बात सुन के उसे खूब मार दिया मैंने, और जान भी जा सकती है उसके। कल अगर कुछ हो गया तो गवर्नमेंट को जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। आपको अभी राजा को बाहर करना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो? छुड़वाऊंगी मैं। तुम्हारी जो मर्जी है तुम कर लो। सर एडवोकेट आनंद राज, मुसीबत है मुसीबत। कोर्ट देखने में आजादी से पहले का कोर्ट लगता है। सही कहा, उसी वक्त का है। भारत को आजादी मिलने से पहले कानून भी सही था। हमारे बड़ों ने आजादी क्यों दिलाई? ताकि हम लोग आजादी से रह सकें। लेकिन आप जैसे भले लोग कानून को हाथ में लेके मुंह में छुरुट रख के इस पुलिस स्टेशन को ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे देश को प्रदूषित कर रहे हैं। आइंदा ऐसा ना हो इसीलिए मैंने फिर से ये कोट पहना है। ओ तो वकील हो? बड़ी सी मूछें रख के इस भारी शरीर में खाकी ड्रेस पहनकर इंस्पेक्टर बन सकते हो तो मैं वकील क्यों नहीं बन सकता? ए, ये पुलिस स्टेशन है। मैंने शराब का अड्डा ये तो नहीं कहा। पुलिस स्टेशन पब्लिक के लिए होता है, आप जैसे लोगों ने इसे गेस्ट हाउस बना रखा है। बहुत बोला तो मार मार के अंदर भेजूंगा। कौन किसे अंदर भेजता है ये सब बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए कि लड़के को किस धारा में अंदर किया है? यहाँ धारा भी नहीं है और सेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये लायर ऑफिस नहीं है। यहाँ जो मैं कहता हूँ वही कानून है। आप जिस कानून के बारे में कह रहे हैं वही मैं अपने हाथ में लेकर आया हूँ। ये कानून कह रहा है कि उस लड़के को बाहर करो। आप क्या कहते हैं सर? कांस्टेबल। क्यों सर, आप कांस्टेबल से पूछ कर करेंगे? सर ज्यादा ऐठिए मत, अकड़ जाएगा हाथ। कांस्टेबल इस वकील को बाहर फेंक दो। रुकिए, मैं खुद चला जाऊंगा। Thank you.
अरे बाप रे, ए वर्ड चल बे बेवकूफ, क्यों बे तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे ऊपर धुआं फेंकेगा? बहुत शौक है ना धुआं छोड़ने का? हाँ। ले देखा मेरे इशारे से जल गई है। लॉकअप की चाबी कहाँ है? हाँ? चल दिखा। राजा, अरे इतना मारा मेरे बच्चे को। बहन आप चिंता मत करो, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ हुई ना तो उस जगह ये एडवोकेट आनंद राय होगा। चलता हूं अब मैं, बेस्ट ऑफ लक। रुको, कहां से आ रही हो? आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करके आ रही हूं। अरे ओ ज्ञान दावत, ये क्या तेरी बेटी पाप का प्रायश्चित कर रही है? क्यों बेटी, अपने लवर को बचा के आ रही हो क्या? तुम सब इंसान हो या शैतान? जानवर भी बेहतर होते हैं तुम लोगों से। जानवर तो मारकर खाता है इंसान को, तुम लोग तो इंसानों को जीते जी खा रहे हो। मैं इस घर में नहीं रह सकती। देवी जो मैं कह रहा हूँ जरा सुनो तो, थोड़ा रुको ठहरो तो। अरे ओ नींबू के आचार, देखो और समझो। इस लड़की को देखो, वो अपनी मर्जी से इसे डांट कर चली गई, और ये देखो ये पीछे पीछे देवी देवी बुलाते चला गया। क्या ये? और कुछ नहीं, बाप बेटी दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। नाटक खत्म कर देंगे। अरे कौन है रे जो हमारे बेटे को मारा है? उस पर मक्खी भी बैठने नहीं देते हम, उससे चूर कर दिया मार के। अरे इंस्पेक्टर बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तेरा क्या करता हूँ देखो। अरे अंदर छुपा क्यों बैठा है? अरे बाहर आओ इंस्पेक्टर, बाहर आओ। अरे बाहर आओ। अब खोलो। अरे इसे खोलो, ठीक से बताओ ना। मणि तो यहीं पे रखा था ना, यहाँ तो सिर्फ साड़ी है। वो कहीं अंदर छुपाया होगा, ढूंढ के देखो। ये कैसे गायब हो गया? ए, लगता है उसने धोखा दिया। अरे 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 अरे, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो ज्ञान रावत। मणि छुपा लिया ना, अब हमें कैसे फंसाना है ये सोच रहा होगा। अब आप ज्यादा मत सोचिए, मणि गायब है, कहाँ रखा है बता दीजिए सर। बता दो भाई। क्या बकवास करते हो, हम तीनों ने ही तो मिलकर उसे वहाँ रखा था। रखते वक्त हम तीनों ने रखा था, उठाते वक्त तूने अकेला उठा लिया होगा। मैं सच में कुछ नहीं जानता। नहीं जानते तुम तो मैं पता लगा लूंगा। अब पूछो कैसे? तुम्हारी बेटी की जान अब मेरे हाथ में है। मेरी बेटी का अगर बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारे बेटे के टुकड़े को डालूंगा। शाबाश, सही मुकाबला है। अरे ओ ज्ञान रावत, कमाल कर दिया, बहुत कमाल किया। ऐसा पागल मैं और पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ताकत है मुझमें। लेकिन मणि 100 साल में एक बार मिलती है, या तो तू मणि हमें देकर इस बच्चे को मार दे डैडी, या इसे मार के मणि हमें दे दे। देखा ये कैसा खेल है। देखो मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, मुझ पे रहम करो। अपने आप को मार लेगा क्या? अरे चाकू तो नीचे रख। छोड़िए उन्हें। आप लोगों को मणि चाहिए ना, मेरे पास है, आइए।
चाहिए था ना आपको? आप जो भी चाहते हैं वो गहने मणि सब कुछ यहाँ पर ले लीजिए। अरे बहू, अरे ये सारे गहने अपने शादी का तोहफा समझ के रख लो। ये क्या, हमारी बहू तो गुस्से में है। चलो भाई चलते हैं। अरे मणि तो मिल गई तो वही दिस मैन। अरे धत वही तो। अरे चंडालों, मेरा खाकर मुझे पे गुर्रा रहे हो? अरे क्या बात है, तो चलो भाई चलते। डैडी हेलो हेनरी। हेलो, हाउ आर यू भाई? Fine. नमस्ते भाई। प्लीज स्टैंड 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 स्टैंड। अरे प्लीज स्टैंड 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 स्टैंड। अंग्रेजी नहीं समझता है। हाउ आर यू? थोड़ी गर्मी ज्यादा है। व्हाट गर्मी? क्या देखेगा, अरे बैठो ना। अरे चुप रे, बकबक करके व्यापार खराब कर रहा है। चूहे की मूछ। व्हाट चूहे की मूछ? चूहे की मूछ वो कैट रैट मैट। और सब बाद में समझाना, पहले मणि का रेट फिक्स करो और इस आदमी को फंसाओ। मणि मणि। What money man? अरे money stack वो 100 years snack वो money money। Oh अरे yes, वो money, yes yes yes। हाँ वही हमराल सफेद blue diamond। बाप रे, इसे समझाते समझाते मैं खुद पागल हो जाऊंगा। अरे पहले इसे पैसा तो दिखाने दे। हाँ पैसा। oh, yeah, पैसा। sure sure। तो फिर पेटी पड़ रही क्या? ये पेटी उसे दो। ये पकड़ो। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या वापस मांग रहा है? ये भी कुछ कह रहा है। यू कम कम। ज्यादा बको मत, जगह खाली करा। जो भी हो, पैसा अपने हाथ में आ गया चूहे के मूछ। सामने तो उसे खत्म कर दिया। माता हमेशा हमारी मदद करती है। पैसा भी मिला और मणि भी अपने हाथ में है। उसकी गाड़ी भी अपने हाथ में है। उसकी गाड़ी में ही जाएंगे। ए, हमारे वापस आने से पहले इसे बाहर फेंक दो। ए, तुम दोनों नीचे उतरो वरना तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। वो एक पागल है, तैशमा के गोली भी चला सकता है। चलो पहले उतरो। अरे भाई ज्ञान रावत, तुम तो अच्छे भले इंसान हो, अब टेंशन में बंदूक क्यों पकड़े हो? बंदूक उठाने का वक्त आ गया है। अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करने के लिए गांव वालों के सामने जाकर ये मणि उनको सौंप देंगे। अरे तुम बदल गए हो तो अब हम क्या कर पाएंगे? जो भी करेंगे हम साथ में करेंगे, यही आदत है अपनी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसा कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मणि निकालो। पेटी मैं उठा लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। इसका प्रायश्चित नहीं करोगे क्या? एक ही प्रायश्चित कर रहा हूँ कि तुमको जिंदा छोड़ रहा हूँ। भागो यहाँ से। बाप रे। अरे हम देख लेंगे, तुम जाओ जाओ जाओ। भले आदमी ने बोल दिया ना, वो चला गया। तू भी साथ जा रहे बौने की औलाद, जा रहे। पीछे पलट कर मत देखना। इस मणि को लेकर तुम मंदिर में आएगा मुझे पता था, तभी तुम्हारा हाल चाल जानने हम लोग यहाँ आ गए। ए रास्ता छोड़ दो वरना तुम दोनों का खून कर डालूंगा। अरे पागल, तेरी बंदूक कार में है और मेरी बंदूक मेरे हाथ में है। चुपचाप मणि हमें दे दे। मेरी जान भी ले लो तब भी नहीं दूंगा। दे दे। नहीं दूंगा। अरे तुम भी अपने बाप का प्रायश्चित कर लो ना। रुको 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 रुको, घबराते क्यों हो? अरे कुछ भी हो हम लोग पार्टनर्स हैं, जाने दो इसे, जाओ। अरे जाओ 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 भाई जाओ, और जहाँ भी रहो खुश रहो, जाओ। ये क्या, उसे भेज के खुश हो रहे हो? अरे उसका शरीर सिर्फ जा रहा है, जान तो रोड पे है। देखो तावीज यही छोड़ के चला गया। देवी माँ, तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। सारी गलतियां तेरी आंखों के सामने की हैं। मुझे तेरी शक्ति का ज्ञान नहीं था। हे देवी माँ, गलती जिसने भी की हो उसे एक न एक दिन भुगतना पड़ता है।
हे मेरी माता, उसका प्रायश्चित करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। अरे आओ मेरी चम्मच चलो, मुझे कोई पागल समझ रखा था क्या? पागल? अपनी मर्दानगी किसी मर्द को दिखा। बेकार में समय बर्बाद मत करो, चलो आओ आओ। अरे आओ, अरे बड़ी चल रही, आओ ना। आप यहां आएंगी तो हमारी जान को ही नहीं, राजा की जान को भी खतरा है। दया करके यहां चली जाइए प्लीज। अब मेरा कोई नहीं है, अब उस घर में जाऊंगी तो मुझे बर्बाद कर देंगे। माँ आप कहेंगी तो चली जाऊंगी। मेरे बेटे से मिलने में, उसे बचाने में इस लड़की ने ही मदद की थी। हमें इसे अपनाना होगा, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये लो टोपी, ये लो चश्मा। राम जी की जय, राम जी की जय। एलेक्स भाई, एक बार एनेक में इस इंस्पेक्टर के ड्रेस को देख लेना, क्योंकि आज से तू भी हमारी तरह गुंडा बन गया। अरे ओ चूहे मूछ, बताना। बताता हूँ, गवर्नमेंट को तेरी मेहनत के बारे में पता चल गया, एक स्पेशल अवार्ड दिया है उन्होंने, ये लो डिसमिस ऑर्डर। मैं हमेशा इंस्पेक्टर हूँ, ये खाकी वर्दी कभी नहीं उतारूंगा। इस स्टेशन में दूसरा इंस्पेक्टर कैसे आता देखता हूँ मैं। तुम्हारे बारे में गांव वालों को पता चलने से पहले उन लोगों को पकड़ के अंदर करो, जल्दी करो जल्दी। रक्षा करना। अरे काहे डरते हो स्वामी, अभी अभी यहाँ एक शादी हुई थी, वो दूल्हा दुल्हन बाहर गए हैं, आप ही हो हमारे दूल्हा दुल्हन यहाँ। Thank you.
रचना चोरी चोरी मुझको चुरा अच्छा दिल की लगी तू बुझा हो गया अपना मिलन हो पिया मैं नागिन मनमोहिनी मैं जोगन मेरी बाहों में आके न जाना कहीं दूर मुझसे मेरे सजना चोरी चोरी मुझको चुरा आज दिल के लगे तो बुझा होगा अपना मिलन हो पिया छुपा के रखा है जल्दी बताओ चलो बताओ अरे बता बताओ अरे बेवकूफ नालायक बोलो कहां जोड़ी बना के भेजा उन दोनों को ए बोलो बोलो इस तरह पूछने पर नहीं बताओगे कैसे सच खुलवाना है मैं जानता हूं अब देख कुल जा सेम सेम आ आ आ आ ये ना बात और ये रहा सोडा आप बजाएगा फॉरेन बिस्की बढ़िया बकरा है फ्रिज भी बढ़िया है मजा आ गया क्यों ना हम आज करे आइस 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 लाता हूँ फ्रिज से पीता पीता कभी कभी यूं जाम
अचानक कलर कैसे चेंज हो गया? आहा, फॉरेन तो फॉरेन है तभी कलर चेंज हो रहा है। प्यास लगी है, पीलो 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 ना। अरे तेरे वास्ते चश्मुद्दीन, तेरे वास्ते पीले। अरे पीले पीले पीले, अरे पीले। ए आना नजीका, तुम्हारे लिए भी नहीं है। ये स्वर्ग मेरे लिए है, अब देखो कैसे पीता हूँ। हाँ क्या हो रहा है, लगता है कहीं देखा है। गुरुजी हमें बचाइए, गुरुजी हमें बचाइए, गुरुजी इस ताबीज को बांध के कब तक हम लड़ते रहेंगे? इस सांप के कारण अपने बीवी बच्चे को खो दिया हमने, इस मणि को अपने पास रखना मुश्किल लग रहा है। इस सांप को मारना ही पड़ेगा गुरुजी। गुरुजी इन सांपों में से आपका सांप कौन सा है उसे पहचान कर मार डालो। ए देख क्या रहे हो, जल्दी गोली चलाओ। अरे चूहे के मूछ अपना सांप कौन सा है? ए मेरे पास एड्रेस है, क्या सबको मार डालो, जल्दी करो। अरे बाप रे, सांपों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे बाप रे बाप, क्या करे, भगवान राम जी की जय। अरे तेरी ताबीज कहाँ है? अरे तेरी ताबीज भी गायब है। अरे मेरी भी गायब है। ये ताबीज मेरी है। अरे नहीं मेरी है यार। नहीं मेरी है। अरे ठीक से देखना, मेरी है। बोला ना मेरी है। अरे मेरी है। अरे मेरी है। अरे छोड़। अरे लाना है। अरे मेरी है। अरे मेरी छोड़। अरे लाना है। छोड़। अरे मेरी ताबीज। मेरी ताबीज कहाँ है? ताबीज तेरे हाथ लगी तो क्या? मनी तो मेरे पास है। अरे मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। ये मनी मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। ये मनी तुम्हें सौंप देता हूँ। ये लो। Thank you.
पानी 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 चिंता मत करो माँ जी, मणि उनके पास है, ये मैंने गांव वालों को बता दिया है। अरे यहाँ भीड़ क्यों जमा है? वो मणि हमारे गांव की है, उस पर हमारा हक है, उसे हमें दे दो। मंदिर की मणि कहीं गायब ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ देखो, देखो इसे, देखो इसे। बोल मणि कहाँ है, बोल बोल। हमने सब जगह ढूंढा, हमें यही मिला लेकिन मणि नहीं मिली। कहाँ रखा है उस मणि को? गांव वालों को धोखा देना चाहती है? एए! कहाँ है वो मणि? बोल बोल। मणि कहाँ है बता? रुक जाओ। ए बच्चू, मेरे आदमी के पास भी बंदूक है, नीचे फेंक दे, फेंक दे नीचे। अरे तू तो बहुत आगे निकल गया रे। ए, इस बच्चू को और इस बिच्छू को पकड़ के बांध दो। ए, ए, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। गांव वालों पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 18 साल पहले इसका पति कैसे मरा, क्यों मरा, ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद ये गायब हो गई। अब इसे ढूंढकर मैं लाया हूँ। इससे मणि कहाँ है पूछने पर तेरे पास है, मेरे पास है, उसके पास है ऐसा कहती है। गांव की भलाई के लिए उस महत्वपूर्ण मणि को मंदिर में रखना होगा। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, तुम ही फैसला करो। मार खा के मरने के बजाय मणि कहाँ, जल्दी बता दे। तो मणि के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ मैं। तो तू नहीं बताएगी? ए, वहाँ क्या भौंक रहा है? अगर असल मर्द है तो मुझे खोल दे, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मेरा राजा, छोड़ो मुझे। ए, छोड़ दे, छोड़ दे। तो यहाँ पर एक बिच्छू लटक रहा है, अब मेरा क्या होगा? छोड़ो मुझे। ए, मणि कहाँ है? मणि अपने पास रख के हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या कहा? मेरे पास है। बता मणि कहाँ है, बता। उसे मत मारो। बता मणि कहाँ है, बता, बता। मैं कैसे छोड़ूं उसे? बता, बता। अगर तू जानता कि मणि मेरे पास है तो मुझसे मार के हासिल कर ले, उसे क्यों मार रहा है? अरे कहीं मार खाते खाते ये गिर गया तो तू फांसी पे लटक जाएगा। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन इन सबको मार खाते हुए मैं नहीं देख सकता। अरे मुझे तुम सबको मार के मजा आ रहा है क्या? मणि कहाँ है बोल दो, सबको छोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हें मार खाते हुए तेरा बेटा नहीं देख पा रहा, फिर मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो? मणि कहाँ है बोल दो ना। नहीं जानती। ए, कहाँ है मणि? नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। मैं जानता हूँ, गांव में नदी के किनारे नाग माता की मंदिर में वो मणि है, उसे इनके परिवार का कोई सदस्य ही उठाकर ला सकता है। अब मणि कहाँ है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब उसे यहाँ लेकर आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। झूठ है ये सब, अगर मणि वहाँ पर है तो मेरे पति पर इल्जाम मिटाने के वास्ते, इन गांव वालों के वास्ते मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। राजा! अरे कोई मेरी माँ के लिए पानी लाओ, पानी लाओ, कोई जल्दी जल्दी से पानी लाओ। प्रेम कुमार, ये पानी मांग रहा है, इसे सोडा ला कर दे।
जा। ये लो सोडा। माँ उठो माँ, माँ माँ क्या हुआ माँ? राजा तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ माँ। माँ मैं मणि लेकर आता हूँ माँ। नहीं बेटा, मैं जाऊंगा माँ। तू अकेला मत जा वहां, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ए, तू कहीं नहीं जा सकती क्योंकि जो सोडा तूने पिया है उसमें स्लो पॉइजन मिला हुआ है। अरे ओ शैतान, जल्दबाजी मत कर, कल सुबह तक तेरी मांस जिंदा रहेगी। उस जहर को निकालने का दवा मेरे पास है, उस मणि को लाके हमें दे दे और अपनी माँ को तू बचा ले। अगर तू मणि लाने में देर करेगा तो तेरी माँ मर जाएगी। मैं मणि ले आया हूँ माँ, मणि ले आया हूँ माँ, माँ मणि ले आया हूँ, देख माँ, माँ माँ ये मणि मुझे दे दे।
तेरी माँ को बचाने वाली दवाई उस मटके में है, जा और जाकर ले ले, चल जा। पीलो माँ, सही कहा है किसी ने, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही। मेरी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, उसका उसका ये बदला दिया तुमने। बेटा उस सांप को कुछ मत कहो बेटा, तेरी माँ को जो सोडा दिया उसमें सिर्फ सिर्फ नशा ही था बेटे। अभी तुम जो लेकर आए हो वो जहर है। भगवान के रूप में आके सांप ने तुम्हारी मां को बचा लिया है। अब तो सच बोलना। पंडित का खून करके मणि चुरा के उसका इल्जाम सपेरे पर हमने ही डाला था। सपेरा निर्दोष था। रुक जाओ बेटा। नहीं माँ, छोड़ दो मुझे। इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। मणि मिल गई है, अब झूठ से पर्दा उठ चुका है। आओ चले बेटा। Ha ha ha!
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मस्तानी